गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ फॉर क्लास 5। आज हम लोग चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर टाइम कैसे लिखा जाता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एक्सटेंडेड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, ये सब देख चुके थे। आज हम लोग नंबर को फिगर में कैसे लिखा जाता है इसको इसके बारे में जानेंगे। जैसे लिखा है 18,46,830, तो शुरुआत लाख से हुआ, तो लाख थाउजेंड और वंस, लाख फिर थाउजेंड फिर वंस, वंस थाउजेंड से लाख, लाख में 18,46,000 830। हम लोग जानते हैं वंस में 1, 10, 100 होता है, तो 830 यानी इसको 18,46,830। अब दूसरा नंबर का 74,08,000 में 8 है, लेकिन हम लोग जानते हैं थाउजेंड दो, थाउजेंड का दो सब ग्रुप होता है, थाउजेंड एंड 10,000, यानी 10,000 नहीं है तो जीरो लगाएंगे, 8,009। वंस तीन सब ग्रुप में बनता है, वंस टेन्स हंड्रेड, वंस तो है टेन्स हंड्रेड, दो जीरो डालना होगा, यानी 7,05,000 में एक ही डिजिट है, 10,000 नहीं, इसलिए 10,000 की जगह 5,003। वंस तीन भाग पार्ट वाइज तीन सब ग्रुप में बढ़ता है, वंस 1,000, वंस है 1,000 नहीं, उसके जगह 0 लगा, 7,110,000, 7,003,000। इसी तरह अब हम लोग इंटरनेशनल में किसी भी नंबर का न्यूमेरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे 30 मिलियन, तो पहले हम इसको बांट लेते हैं, 10 मिलियन लेते हैं, मिलियन बिलियंस मिलियन, थाउजेंड्स थाउजेंड्स, वंस 30 मिलियन, मिलियन में 30, 7,000, थाउजेंड में शेयर। हम लोग जानते हैं थाउजेंड इंटरनेशनल में थाउजेंड थ्री सब ग्रुप में बटे, थाउजेंड 10,000 100,000, तो 10,000 में नहीं कुछ है तो जीरो डालेंगे, 100,000 में जीरो, 7,018 ये भी थ्री ग्रुप, वंस टेन्स हंड्रेड, वंस टेन्स है 100 नहीं आता जीरो, यानी इसको लिखेंगे 30,007,018। अब बोला 34 मिलियन, तो बिलियन में 34 बिलियन, 120,000 में 120 मिलियन, 5,000 में 5,000, 10,000 जीरो, 100,000 जीरो एंड 3, तो वंस है टेंस नहीं है तो टेंस में जीरो हो जाएगा, यानी 34
34 million 120 million 5000 and 3 अब हम लोग कंपेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंपेयरिंग ऑफ किसी भी नंबर केस वन, किसी भी नंबर का कंपेयर हम लार्ज नंबर का कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। केस वन है जब केस वन में लेंगे नंबर ऑफ डिजिट और टू नंबर टू नंबर्स आर डिफरेंट। जैसे क्वेश्चन है 3, 4, 8, 7, 6, 5, 8, 5, 7, 6, 8, 2 तो पहला डिजिट पहला नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ डिजिट कितना है 7 है। इसका नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है 5। तो जब भी डिजिट सेम नहीं है तो जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होता है वो ज्यादा हो यानी मैक्सिमम बड़ा नंबर ये है छोटा नंबर ये। अब केस टू लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट टू नंबर्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ डिजिट क्या हो इक्वल जैसे 3, 7, 8, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 4, 6, 7 तो इसका कम 2, 4, 6, 2, 4 यहाँ डिजिट दोनों तरफ से है यहाँ भी डिजिट 6 है नंबर ऑफ डिजिट यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 है। जब ऐसा हो जाता है देन वी कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड तब हम लोग लेफ्ट साइड से कंपेरिजन करेंगे यानी लेफ्ट साइड राइट साइड ये हुआ लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड इस साइड तो पहला डिजिट इसका लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट 3 है इसमें भी 3 है ये 7 फिर दूसरा डिजिट जिसका 7 हुआ इसका दूसरा डिजिट 8 हुआ यानी कंपेरिजन करते जाना जहां हमको ग्रेटेस्ट मिल जाएगा वही नंबर यानी 7 बड़ा है 8 से दूसरा नंबर दूसरा लेफ्ट से दूसरा ही डिजिट बड़ा हो गया यानी ये बड़ा बड़ा अगर ये सेम जहां तक सेम जाता है वहां तक कंपेरिजन करेंगे फिर जहां मिल जाएगा बड़ा तो वहां हम लोग उसी को बड़ा करेंगे। इसी तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं कंपेरिजन करके। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास आप लोगों को करना है क्वेश्चन बनाने का।